हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सो आज है 20 जुलाई एंड हम फाइनली तैयार हो चुके हैं आज डे आउट के लिए। क्यों जा रहे हैं? इसका बर्थडे था, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, उसकी सेलिब्रेशन के लिए। उसका बर्थडे छुट्टियों में था, सो हम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन कर रहे हैं बिलेटेड, बट ठीक है, वी आर गोइंग टू एंजॉय। एंड हमारे साथ हमारी दो और फ्रेंड्स आ रही हैं। एंड हमारी फ्रेंड आ रही है हमें कार में पिक करना कॉलेज के बाहर, सो वी आर जस्ट गोइंग आउट राइट नाउ। मिलते आपसे उसकी कार में। फ्रेंड मिल चुकी है एंड वी आर जस्ट गोइंग थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी हम चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, और एक हमारा लेट लतीफ दोस्त वो आ रही है उधर। हर बार लेट रहती है, हर बार हम आएंगे वैसे यार। और जब बारिश हुई और देखो यहाँ के हाल खड़ा हो गया। आधा घंटा हो गया यहाँ पे ट्रैफिक में बैठे बैठे हुए, इरिटेटेड राइट नाउ। क्या कर रही है यार, इतना देर हो गया, थक गया, मुझे तो नींद आ रही है। सेम मेरे को भी, तो सिर्फ घूमना। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, नहीं करा। आई एम टू हंग्री राइट नाउ, मतलब मैं अरे इनको बोलना चाहिए मम्मी से, बोल परांठे ले आओ। तुम वैसे मैं किसी को खा दूंगी ऐसे। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, ये सब करते। आज मैंने ब्रेकफास्ट करा, ये इन सब ने नहीं किया, देख रहे हो। मैंने किया तू और मैं अच्छे लोग। तूने क्या खाया आज? एक परांठे में देख, मैं तो कोका खाया आज। स्टिल एंड जाओ यहां पे आज मेरे को अपडेट हो चुके हैं, जिस भी हेल्प कर रही हम अभी ये उठा मेरे को बड़ा मजा आता है देखते हुए। ये पानी पड़ा है यार, हमारे पीछे भी आर्मी वन का ट्रक है, जो पता नहीं यानी क्या हुआ है। दोनों को लगा या नाली है ना बीच में, तो इनको लगा कि ये वो नहीं होगी डाउन, तो शायद डाउन थी। नहीं है डाउन तो कितना क्यूट है। मारते ना मुझे। हाँ वो अंदर चले गया क्या? रेनू साइड चल, इस वाली साइड प्लीज, इधर पानी बहुत ज्यादा है। पानी देखो कितनी इतनी सी बारिश होती है यहाँ पे, ऐसा होता है नदियाँ बह जाती हैं। क्या है यार, सोचो हमको पैदल जाना होता है यहाँ से वंशिक। और क्या करते हैं, स्कूटी एक्टिवा पे नहीं थे कोई। खुले गया यार, 100 रुपए खुले, 50 है यार, 100 देगी इसकी पसंद है। पैसे याद रखना, अपने अपने चार्जा लगाए हैं। ठीक है, देख पत्ता। हाँ पत्ता दे दो आप। हम जा रहे हैं स्नो पार्क, जो कि है हिमाचल में। हम हिमाचल एंटर कर चुके थे, जबली लग रहा है, जबली हिमाचल। कहाँ पे है मुझे तो दिख भी नहीं, यहाँ पर यहाँ पे इतना है पता है कि भीड़ है।
चलो चलो ये पार्किंग कराएगा तेरे आराम से ब्रो। स्नो पार्क नाम इधर इधर नहीं यार आगे लगा ऊपर लगा दो छोड़ दो इसको ऊपर पहुंच चुके हैं फाइनली सो अभी अंदर चलते हैं खुशी रखो इसको स्टार्स भी है यहाँ पे शूटिंग आगे क्या इसमें मिल बहुत ज़्यादा है मुझे मिला छोटा छोटा सा और मैं बड़े मेरे को लगी गर्मी ना बड़ी गंदी स्मेल है मुझे चिड़ हो रही है ये अगर हम डालेंगे तो रिव्यू गंदा चला जाएगा वापस आने के बाद हम यहाँ रुके हैं पता नहीं कौन सी जगह है पर यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट लोग फोटो ले रहे हैं समथिंग कहीं नहीं यहाँ पे खाने रुके हैं पता नहीं क्या खाएंगे देखते हैं उधर हमको कुछ अच्छा नहीं मिला खाने को जो हमको चाहिए था तो हमने बहुत सारे चिप्स वगैरह ले लिए खाने के लिए एंड नाउ वी आर गोइंग जीरकपुर में ही खा लेंगे कुछ चलते हैं।
फिर हमें रुबीना तिलक का हस्बैंड दिखा यार रास्ते में कुछ कुछ पर्सनल काम करते हैं। Now we are waiting for him to come. हम इधर के बदतमीज है ना गाइस। हम क्यों रुके हुए हैं रुबीना दिलाई के हस्बैंड को देखने के लिए, और वो जब हमने उसे देखा वो इतना खाना खा रहा था और बच्ची लागी बोतले भाई बोतले और बाद में जब मुड़ के देखा कि वो तो वो निकला और वेट करें लेकिन वो नहीं आ रहा। छोड़ो बड़ा हमने करना क्या, चलो चलते हैं। चलो किड सेक्शन में लेने आए उसको मिल गया। एक तरफ से ही बेचती क्या इसमें नहीं होता। यहाँ बैठे हैं खाने और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट्स नॉट गुड खाना है इस मोमोज इतनी गर्मी में खा रहे हैं, बट वी लव मोमोज एंड हमारी कॉफी। मिस्सिया ले आई है, अब हम जाके इसको काटेंगे। सो चलते हैं। जूडियो में हमें कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे कुछ ही नहीं है। ओपन चिकन पाल गए हैं अपना, हाँ वहाँ जाएंगे हम प्यारे वाले कैफे वहाँ जाएंगे। पंची का पाल गए हैं कपड़े ट्राई करने एंड वी आर गोइंग बिकॉज हमसे नहीं खड़ा जा रहा क्योंकि हमारे लाइक यहाँ पे है भी नहीं कुछ, आउट ऑफ स्टॉक है जूडियो का सामान। हमारा केक भी गल जाएगा यहाँ पे। सो नाउ वी आर गोइंग टू अ क्यूट कैफे फॉर हैविंग सम फन एंड मैं फर्स्ट टाइम VIP रोड आई हूँ, मैं पहले नहीं आई, ये सब आया मैं नहीं आई हूँ। हाँ इसका भी फर्स्ट टाइम, हम दोनों पहली बार ही आ रहे हैं। शायद रेनु भी पहली बार आ रही है। कटिंग के लिए आ चुके हैं, वी आर ओपनिंग आवर केक। खराब हो चुकी है, हमने कैंडल लाइट बट वी डिडंट ऑर्डर्ड आवर क्या मैचेस। नहीं यार तू उस साइड चले जा, इस दिन दोनों का बर्थडे है। हाँ आई मीन बिलेटेड हम इनको यहाँ पे केक कटवा रहे हैं। ऑर्डर क्या करो, इंटेलिजेंसिया ने उल्टी कैंडल डाली इस केक के अंदर। वाह मैं तो देख रही हूँ मैं कर क्या रही हूँ। अब बर्थडे कल खुद डालेंगे। ध्यान नहीं रहा है भाई मुझे। नॉर्मल कैंडल्स यूज कर लो तो इसकी वजह से केक भी कुछ हट गई। अबे यार मैंने देखा भी एक बार तुमने मुझे टोका भी नहीं कि तू गलत कर रही है, एकदम कुछ हट गई डर। हैप्पी बर्थडे निधि, आगे आ जा। दो नाच लगा ले भाई। अब एक दूसरे को ख्याल रखना। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे गाइस। बता दो कैसा टेस्ट में। बेटा हमारा खाना पीना ऐसे तो हम खा के आ चुके थे, बड़ी अच्छी जगह थी बर्थडे के लिए तो हम यहाँ पे आ गए। तभी केक भी नहीं खाएगा तो इसको रेनू के घर भेज देंगे हम। सो नाउ वी आर गोइंग। इसकी हो चुकी है इसकी चीज़ लाइक मेरे को पेट में दर्द हो रहा है एंड और ये बहुत अच्छी जगह है। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे इस साइड VIP रोड सो डू कम हियर क्योंकि बहुत क्यूट सा कैफे है। हाउ वाज योर बर्थडे फाइल। अब जा रहे हैं वापस, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। चंडीगढ़ में प्यारे प्यारे खेत, इट्स नॉट चंडीगढ़ वैसे छल्ली कॉर्न, आज हमने कॉर्न भी खाई थी। गाइस हम पिंड में जा रहे हैं। इट वाज अ गुड डे फ्रॉम अ डिफरेंट रास्ता जो कि बहुत प्यारा है, छोटा छोटा सा। बदल गया मैं ते मर ही जाना, बदल गया मैं ते मर
बैक इन ऑटो, फाइनली चितकारा जाते हैं। चितकारा लाइन देखो गेट पास की कितनी लंबी है यहाँ पर, थक गए हम।